नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। टैक्स छूट पाने के लिए आप इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और एनपीएस समेत कई इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं, लेकिन कई बार आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स पर पूरी टैक्स छूट नहीं मिलती है और इसकी वजह है कुछ नियमों की अनदेखी करना। आप टैक्स छूट के लिए निवेश कर तो लेते हैं लेकिन नियमों को ध्यान में नहीं रखते। तो आज मनी गुरु में हम आपको बताने वाले हैं टैक्स फ्री निवेश के वो नियम जिन्हें अगर नहीं रखा ध्यान तो नहीं मिलेगी टैक्स छूट। और इन नियमों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस खास शो में। तो आज हम बात करेंगे टैक्स फ्री आय पर कंडीशंस अप्लाई। तो इस पर क्या खास आज हम शो में चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम बताएंगे आपको इंश्योरेंस की मैच्योरिटी अमाउंट क्या होती है टैक्स फ्री। प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाले तो क्या लगेगा टैक्स। म्यूचुअल फंड निवेश बनाया तो क्या मिलेगी टैक्स छूट। खेती किसानी से जुड़े हैं तो क्या देना होगा टैक्स। तो इन तमाम टैक्स नियमों को आपको रखना है ध्यान जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स बेनिफिट कर पाएं, इंजॉय। तो यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है कि कोई भी इनकम जो कि हम समझते हैं सुनील जी टैक्स फ्री है, वो क्या वाकई में टैक्स फ्री होती है कि नहीं होती है, या उसके साथ कुछ कंडीशन जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ भ्रम या कुछ मिथ्स हैं जिसको आज हम तोड़ने वाले हैं और दर्शकों के नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हर कोई अपनी टैक्स प्लानिंग में साल के इस साल में लगा भी हुआ है। तो सबसे पहले इंश्योरेंस की रकम पर टैक्स को लेकर कई लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि बीमा कंपनी से जो रकम मिलती है क्या वो टैक्स फ्री होती है, नहीं होती है तो क्या इसके नियम होते हैं। देखिए स्वाति जी, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सरकार टैक्स लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। अगर सरकार आपको कोई टैक्स फ्री इनकम दे रही है तो उसके साथ में कुछ नियम जरूर होते हैं। अगर आपने उन नियमों की अनदेखी की तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं तो टैक्स फ्री इनकम के साथ में कोई ना कोई राइडर जरूर मिलेगा। मसलन, हर आदमी ये समझता है कि जीवन बीमा से मिलने वाला जो अमाउंट है वो टैक्स से माफ़ होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इस गलतफहमी को आप दूर कर लीजिए। अगर आपने कुछ कंडीशंस का ध्यान नहीं रखा तो जीवन बीमा से मिलने वाला पैसा भी पूरा टैक्सेबल होता है। जैसे 1 अप्रैल 2012 के बाद में नियम में परिवर्तन आ गया कि अगर आपका टैक्स जो प्रीमियम आप पे करते हैं ईयरली या हाफ ईयरली, अगर जो जीवन बीमा का जो कैपिटल वैल्यू है जितने का आपने बीमा करवाया है, मतलब अगर आपने 5 लाख रुपए का बीमा करवाया और आपकी जो किस्त है वो 50,000 रुपए से ज़्यादा है हर साल, तो ध्यान रखिए जब आपको पैसा मिलेगा वो पूरा 5 लाख रुपए का, हो सकता है आपको 9 लाख मिले, तो उस पर सरकार आपको टैक्स देने को कहेगी, आपका टैक्स भी काट देती है। देखिए, नियम में परिवर्तन आया था 1 अप्रैल 2012 को। उससे पहले नियम क्या था, अगर आपने 1 अप्रैल 2003 से और 31 मार्च 2012 के बीच में कोई पॉलिसी ली है तो 20% का नियम था, यानी 5 लाख रुपए का आपने बीमा लिया, 1 लाख रुपए से कम अगर आपकी किस्त थी तब भी आपको टैक्स पूरा छूट मिल जाया करती थी। नियम में परिवर्तन हुआ, अब 10% का नियम आ गया है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जो बीमा की किस्त है, जो आपकी पॉलिसी की किस्त है, वो 10% से कम होनी चाहिए। अभी तक एक डिस्प्यूट और चलता था, ऐसे जीवन बीमा से जो पैसा मिलता था उस पर 1% TDS काटा जाता था। 1% पिछले बजट में इस बात को हमने उठाया था कई बार कि साहब आप पूरे अमाउंट को क्यों टैक्सेबल कर रहे हैं, जो आपको इनकम आई है, जो बोनस आया उसी को टैक्स कर लीजिए। तो सरकार ने हमारी बात सुन ली और अब नियम में फिर परिवर्तन है, अब आपको पूरे अमाउंट पर टैक्स नहीं देना है, जितना आपको ऊपर पैसा मिलेगा उस पर आपको 5% TDS काटा जाएगा, 5%। लेकिन आपको जीवन बीमा लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी की जो अमाउंट है वो 10% से कम होनी चाहिए। और क्या इसमें भी कुछ बचाव के तरीके हैं कि लोग इस पर भी टैक्स बचा लें, क्योंकि हर जगह तो हम यही चाहते हैं ना कि टैक्स छूट का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अब इन कंडीशंस अप्लाई पे भी कोई कंडीशन काम करती है? देखिए स्वाति, अगर आपको एज ए इन्वेस्टमेंट वो पॉलिसी लेनी है, देखिए आजकल सिंगल बीमा पॉलिसी बहुत चल रही है कि जहां आप सिंगल बीमा पॉलिसी ले लीजिए और आपको मैच्योरिटी मिलेगी। जीवन बीमा की LIC ऑफ इंडिया की कई पॉलिसी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे जो LIC करवानी है, जो मुझे जीवन बीमा करवाना है, उसका पर्पज क्या है, मुझे अपनी लाइफ को इंश्योर करना है या मुझे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेनी है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की रिटर्न लेनी है तो फिर तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आपको जीवन बीमा पॉलिसी अपनी लाइफ को कवर करना है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी मुझे पैसा
मिले तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे को जो किश्त है वो 10% से कम होनी चाहिए। ओके, इंश्योरेंस की रकम पर टैक्स के क्या नियम होते हैं और टैक्स फ्री के साथ क्या कंडीशन अप्लाई होती है ये हमने जान लिया। अब यहाँ पर समझना जरूरी है ज्यादा टैक्स छूट वाला इंश्योरेंस। अभी हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे जिस पर आपने प्रीमियम पर बोला मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगा 20% ज्यादा, ये पहले नियम था, अब 10% का हो गया है। अब तो लोग ज्यादातर इंश्योरेंस पॉलिसी पर ATC के तहत टैक्स छूट भी लेते हैं, लेकिन क्या इस पर भी कुछ ऐसे कंडीशंस हैं या राइडर्स हैं जिससे टैक्स लग सकता है? नहीं नहीं, जहाँ तक ATC का सवाल है फिर यही ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपने जीवन बीमा ले लिया और मान लो आपने 10% से कम भी ले लिया, लेकिन अगर आपने उस जीवन बीमा को कंटिन्यू नहीं किया, 3 साल के बाद आपने कंटिन्यू नहीं किया, तो आपने जो ATC में छूट ली थी उस पर आपको दोबारा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए आपको कम से कम 5 साल तक उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना है। अगर आपने उससे पहले उसको भुना लिया या आपने उसको पे नहीं किया तो आपने जो पिछले सालों में छूट ली थी उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये भी है कि 3 साल तक आप अपना वो जो बीमा है वो कंटिन्यू रखें। हाँ, जनरली लोग गलती करते हैं, 1 साल लेते हैं, 2 साल लेते हैं, फिर उसको पे नहीं करते हैं, तो आपने जो छूट ले ली थी 1.5 लाख रुपए पर उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक मैं आपसे पूछना चाहूंगी की मैन इंश्योरेंस पर, ये की मैन इंश्योरेंस क्या है और ये किन के लिए है, क्या इस पर कोई टैक्स का फायदा मिलता है? बहुत बड़ा फायदा मिलता है जी, और ये जो पॉलिसी है स्वाति बिजनेसमैन के लिए है। इसका पर्पज ये था, देखिए ATC में हम समझते हैं कि 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन की मैन इंश्योरेंस में सरकार ने एक बेनिफिट दिया है। अगर आप बिजनेस में डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में, आप पार्टनर हैं, तो आप अपने की मैन के लिए जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके जो एम्प्लॉयज आपके जो की मैन हैं जहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनकी आप लाइफ कवरेज ले सकते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में। लेकिन इसमें बीमा आप जितना भी देंगे, आप 1.5 लाख दीजिए, 10 लाख दीजिए, 20 लाख दीजिए, आपको पूरी छूट बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में मिलती है। पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब वो पैसा आपको मिलेगा तो वो टैक्सेबल हो जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं स्वाति, अपने सीनियर एम्प्लॉयज के लिए की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं कि ताकि उसको लगे कि मैं आई एम ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जब वो रिटायर होने वाला होता है तो उसके नाम से उसको असाइन कर देते हैं ताकि पैसा उसको मिले। लेकिन ये ध्यान रखना है एम्प्लॉयज को भी, अगर आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी आपके एम्प्लॉयर ने दी है तो आपको उसका टैक्स भी देना पड़ेगा। ओके, तो ये बात हुई इंश्योरेंस की। अब हम जानेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में हर नौकरी पेशा जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होगा। मैं बात करें प्रोविडेंट फंड की। अब प्रोविडेंट फंड से निकासी के कई नियम हैं, अलग अलग केसेस पे आप अपनी रकम निकाल सकते हैं, कुछ उसका हिस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन अब वो लोग पूछते हैं कि इस पर तो टैक्स छूट है, लेकिन क्या वाकई टैक्स छूट है? ये ऐसा इशू है स्वाति जिसमें हर लोग कंफ्यूज रहता है, हर आदमी और विशेषकर एम्प्लॉयज, उनको पता नहीं होता नियम का। तो नियम बड़े ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस नहीं की है तो अगर आपने वहाँ से पैसा निकाला प्रोविडेंट फंड का तो वो टैक्सेबल होता है। लोग गलती क्या करते हैं, जब वो अपने एम्प्लॉयर को चेंज करते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं, तो पुराने अकाउंट को बंद कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको उसी PF अकाउंट को कंटिन्यू करना है। और आप सरकार ने बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे दी है, आपका सिंगल PF नंबर है, आप तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं। हाँ, 2 सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे सरकार ने छूट दी, अगर आपकी बीमारी के कारण या कोई ऐसा रीजन जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल था, या एम्प्लॉयर की बिजनेस बंद हो जाता है और फिर आप नौकरी छोड़ देते हैं, फिर अगर आप पैसा निकालते हैं प्रोविडेंट फंड से तो टैक्स से फ्री होता है, अदरवाइज पे पूरा टैक्स लगता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपने 5 साल से कम कंटिन्यूस नौकरी की है तो आपको, और नई नौकरी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको PF को कंटिन्यू करना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए। और कंपनी में आप अपना वो PF जो नंबर है वो बस दे दीजिए, वो ट्रांसफर हो जाता है बिल्कुल। एक तो 5 साल अगर नौकरी पूरी होनी चाहिए टैक्स छूट पाने के लिए निकासी पर, और कुछ कंडीशंस में बीमारी और जरूरी उसके लिए। अगर बिजनेस बंद हो गया फिर आपने चाहे 3 साल नौकरी के बाद निकाल लिया तो छूट है, अदरवाइज छूट नहीं है। ये बात हुई PF की। अब NPS को जब से सरकार ने बोला कि ये है पूरी तरह टैक्स फ्री, लोगों में काफी ज्यादा हलचल मच गई, लोग काफी ज्यादा खुश हो गए, अरे वाह ये टैक्स फ्री प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, NPS क्या पूरी तरह टैक्स फ्री है? देखिए स्वाति, NPS का पर्पज है नेशनल पेंशन स्कीम। पर्पज क्या है कि आपको जब आप रिटायर हो जाते हैं, आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो आपको एक पेंशन का अमाउंट मिले ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो। लोगों को एक गलतफहमी है कि NPS से सारा मिलने वाला पैसा टैक्स से माफ होता है, ऐसा नहीं है जी। पहले क्या नियम था
कि 40% तक आप पैसा निकाल सकते थे मैच्योरिटी के टाइम में और बाकी आप एन्यूटी में डाल दीजिए और आपको जो उससे पेंशन आती है ध्यान रखना है वो टैक्सेबल होती है, उस पर टैक्स लगता है, वो टैक्स से माफ नहीं होती है। सरकार ने एक नियम को और चेंज किया, 40 को बढ़ा के 60 कर दिया कि जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो हो सकता है आपको अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्चों की शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत हो। सरकार ने कहा ठीक है आप 60% तक पैसा आप निकाल लीजिए, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जो 40% पैसा है वो आपको कंपलसरी एन्यूटी में ही लगाना है ताकि इससे आपको पेंशन आए और वो पेंशन पर आपको टैक्स देना है। दूसरा नियम क्या है, अगर आपने बीच में पैसा निकाला, आपने किसी जरूरत के लिए पैसा निकाला, तो केवल 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं, 25% से ज़्यादा अगर आपने विड्रॉ किया तो वो भी टैक्सेबल हो जाता है। तो एनपीएस में भी राइडर है, उस राइडर का आपको जरूर ध्यान रखना है। मतलब जो ये 60% और 40% का जो ये फॉर्मूला है उसमें 40% जो रकम है वो आपको में जानी चाहिए, हाँ। जिससे आपको पेंशन आए, और 60% आप विड्रॉ कर लीजिए, पहले 40 था उसको बढ़ा के सरकार ने 60 कर दिया लास्ट बजट में, है इस पर टैक्स लगेगा। तो मतलब ये हुआ कि 100% ये टैक्स फ्री नहीं है। एनपीएस को लेकर जो भी लोगों में दुविधा थी या कंफ्यूजन है उसको आप टोटली दूर कर दीजिए। हाँ, 60% को आप टैक्स फ्री के तौर पर इंजॉय कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा है। और प्री मैच्योर विड्रॉल पर 25% आपको टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। ओके, तो ये बात हुई एनपीएस की। अब ये बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। अब म्यूचुअल फंड पे तो हमें पता है कि हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्स देने पड़ते हैं। LTCG की बात करते हैं, STCG की बात करते हैं, लेकिन जब उससे आय होती है वो बताइए कि म्यूचुअल फंड मुनाफे पर टैक्स का जो नियम है वो क्या कहता है, टैक्स फ्री कब और टैक्स फ्री कब नहीं। देखिए, म्यूचुअल फंड से आपको दो तरह की इनकम होती है। बहुत सारी कंपनी आपको डिविडेंड देती है या आप म्यूचुअल फंड को बेच के पैसा लेते हैं। अगर आपको डिविडेंड मिला तो खुशी की बात यह है कि उस पर कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं है, टैक्स से माफ़ी है, चाहे आपका डेट म्यूचुअल फंड है चाहे आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड है। पर सरकार ने इस पर भी एक चतुराई कर रखी है जो कि आपको नहीं पता, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जो कंपनी DDT दे रही है, जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है म्यूचुअल फंड कंपनी, सरकार उससे टैक्स ले लेती है DDT के रूप में, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा स्वाति, जो आपका डेट म्यूचुअल फंड है, अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो DDT का रेट है 28%, 28% टैक्स काट लेता है म्यूचुअल फंड, फिर आपके हाथ में आती है, इसलिए वो टैक्स से फ्री है। और जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उस पर 10% TDS काट लेते हैं, उसके बाद में पैसा आता है, टैक्स से फ्री है। लेकिन अगर आपने म्यूचुअल फंड को बेचा तो आपको ध्यान रखना है, अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड है आपका, आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है, 1,00,000 रुपये तक आप छूट क्लेम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। अगर 1 साल के बाद आप बेचते हैं, पहले ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बिल्कुल माफ था। लास्ट ईयर के बजट में अरुण जेटली साहब 10% टैक्स ले आए थे, 1,00,000 रुपये से ज़्यादा अगर आपने बेचा तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर डेट म्यूचुअल फंड है, लोग यहाँ भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, वहाँ पर होल्डिंग पीरियड 1 साल नहीं है, वहाँ 3 साल है, 3 ईयर्स। अगर आपने 3 साल से पहले उसको बेच दिया डेट म्यूचुअल फंड को, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है और आपके स्लैब में चला जाता है 15% के, अदरवाइज उस पर भी रेट कैपिटल गेन का लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड 1 साल के लिए और उसके लिए 3 साल का नियम है। और पर इसे डिविडेंड पर टैक्स क्या फ्री है? नहीं है जी, नहीं है, अब नहीं है। ये लोगों को कन्फ्यूजन है, पहले कभी हुआ करता था, कंपनी से, कंपनी शेयर्स के, इक्विटी शेयर्स पे मिलने वाला डिविडेंड टैक्स से बिल्कुल माफ हुआ करता था। वित्त वर्ष 2016-17 में अरुण जेटली साहब एक नियम में परिवर्तन लेके आए थे। परिवर्तन ये था, अगर आपको 10,00,000 रुपये तक डिविडेंड मिलता है, 10,00,000 रुपये तक, तो उस पर टैक्स से माफ़ी है, उसमें कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 10,00,000 से ज़्यादा आपको डिविडेंड मिला है तो 10% टैक्स आपको और देना पड़ेगा, और धारा 115 BBDA। तो आप ये ध्यान रखना है, आपको डिविडेंड से अगर इनकम आई है तो लोग जनरली गलती करते हैं, उसको एग्जम्प्ट इनकम में दिखा दे देते हैं, वो एग्जम्प्ट इनकम नहीं है अगर 10,00,000 से ज़्यादा आपको डिविडेंड मिला है तो। टैक्स फ्री के अंतर्गत ये आता है और कहीं ना कहीं से राइडर के तहत आप पर नियमों के अनदेखी में भी आप पर टैक्स लग सकता है। अब सुनील जी, हम बात करेंगे टैक्स फ्री बॉन्ड्स की। इनका तो नाम ही टैक्स फ्री बॉन्ड्स है, तो क्या मान लिया जाए इस पर कोई राइडर अप्लाई नहीं है? कोई राइडर नहीं है टैक्स फ्री बॉन्ड्स पे, टैक्स फ्री होता है उस पर जनरली। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत पॉपुलर नहीं है हिंदुस्तान में टैक्स फ्री बॉन्ड। एक तो सरकारी कंपनियां ही इसको इशू करती हैं,
और दूसरी बात क्या होती है कि इनका होल्डिंग पीरियड बहुत है, 10 से 15 साल का है, लेकिन आपको जो इनकम मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्स से फ्री है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, अगर आपको पैसा 10-15 साल बाद चाहिए, तो आप प्लान कर सकते हैं, उस पर सरकार ने टैक्स से आपको माफी दे रखी है। हमारे देश में किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, हर बजट में किसानों को टैक्स जुड़ी हुई कई छूट भी दी जाती है, और कई जो किसान हैं वो ये भी पूछ रहे हैं जो खेती से उनको आय होती है क्या उन्हें उस पर टैक्स लगेगा, तो ज़रा ये दुविधा दूर कर दीजिए। देखिए स्वाति, ये कि जनरल परसेप्शन ये है कि खेती से मिलने वाली कोई भी आय, चाहे आपकी फसल से इनकम है, चाहे खेती की जमीन से बेचने की इनकम है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन इसमें भी एक राइडर है। देखिए, अगर केवल खेती से आपको आय होती है, आपकी कोई और इनकम नहीं है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर खेती के साथ साथ आपकी कोई और इनकम भी है और वो इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है, मान लीजिए आप खेती बाड़ी करते हैं और आपके बैंक में FDRs हैं, आपने फिक्स डिपॉजिट करवा रखे हैं और वहाँ से आपको 5 लाख रुपये का ब्याज आता है, तो ध्यान रखिए खेती से होने वाली इनकम आपके स्लैब में जुड़ जाती है। डायरेक्ट टैक्स तो सरकार नहीं लेती है, लेकिन आपका स्लैब जो 5% वाला है वो बढ़कर 20-30% पे चला जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास खेती के अलावा कोई और इनकम है, तो आप एक बार अपनी खेती की इनकम को जोड़ेंगे, उससे स्लैब बढ़ जाएगा, फिर आपको रिबेट मिलती है। दूसरी बात, खेती से की जमीन को बेचने की इनकम से, देखिए अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं और उसकी आबादी 10 लाख की आबादी का नियम है, और 8 किलोमीटर से दूर अगर आपकी वो जमीन है एग्रीकल्चर, तब तो उसको बेचने पे कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड शहरी क्षेत्र में आती है, 8 किलोमीटर की बाउंड्री में आती है, तो उस पर बेचने पे पूरा टैक्स आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और उसको टैक्स नहीं देते हैं, लेकिन वो टैक्स है। हाँ, आप एक सहूलियत सरकार ने दी है, अगर आपने खेती की जमीन जो शहरी क्षेत्र में है उसको बेचकर आपने खेती की जमीन ले ली, तो आपको टैक्स में छूट मिल जाती है, और धारा है 54B में आप वो छूट ले सकते हैं। लेकिन ये गलतफहमी मत पाल लीजिए कि खेती की जमीन है, मैंने बेची है, कोई टैक्स नहीं लेगा, पूरा टैक्स देना पड़ेगा आपको। कुछ जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त फेसबुक पर, वो हमने क्योंकि म्यूचुअल फंड की बात की थी, वो स्टॉक ऑप्शन पर टैक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं कि अक्सर जो कंपनियां हैं कर्मचारियों को शेयर देती है, अब शेयर तो दे दिया लेकिन क्या वो टैक्स फ्री है? स्वाति, इसको लेके बड़े डिस्प्यूट्स थे, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे उन डिस्प्यूट्स को दूर करना शुरू किया है। सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं या स्वीट इक्विटी क्या होती है। बहुत सारी कंपनियां अपने जो होनहार एम्प्लॉयज होते हैं या जो की पोजीशन पे होते हैं, उनको रिटेन करने के लिए स्टॉक ऑप्शंस देती हैं कि आप कंपनी में शेयर्स परचेज कर लीजिए, और स्टार्टअप में ये बहुत चलता है। अब होता क्या है कि मान लो कंपनी का शेयर 100 रुपये का है और आपको 50 रुपये में ऑफर कर दिया कि आप 50 रुपये में उसको ले लीजिए, तो जो लेने वाला एम्प्लॉई वो कहता है साहब मैंने तो 50 में लिया, तो मुझे किस बात का टैक्स देना पड़ रहा है? आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको अलॉट करवाएंगे शेयर्स को, मान लीजिए आपने सर्विस ज्वाइन की 2015 में 2016 में, और आपको कंपनी ने कहा कि 3 साल बाद हम आपको शेयर देंगे जो जिसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये या 50 रुपये में हम आपको शेयर दे देंगे, लेकिन आपको टैक्स 2016 में नहीं लगेगा, पर 2019 में जब आप वो शेयर 50 रुपये में खरीदेंगे तो आपको टैक्स देना होगा, और टैक्स देना होगा अंडर द हेड सैलरी, और टैक्स इतना देना होगा उस टाइम में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी कंपनी के शेयर्स की, मान लो 100 रुपये जैसे मैंने एग्जांपल दिया, और मान लो बढ़ के 200 रुपये जाती है और आपको शेयर 50 रुपये में मिलता है, तो 150 रुपये पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। और जब आप उस शेयर को बेचेंगे 4 साल बाद 3 साल बाद 2 साल बाद, तो आपको कैपिटल गेन की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, आपको एक फ़ायदा दिया कि जो 150 रुपये में आप टैक्स दे चुके थे, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो 50 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाएगी। अगर आप 200 का शेयर 200 में बेचते हैं तो फिर दोबारा सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, लेकिन जब आपने अलॉटमेंट करवाया शेयर कम वैल्यू पर, तो आपको टैक्स देना पड़ता है। और एम्प्लॉय ये सोचता है कि साहब मुझे तो फ्री में शेयर मिले थे, मुझे टैक्स इस बात का ले रहे हो, लेकिन सरकार आपसे टैक्स ले लेती है। होनार होने का ये कंडीशन है जो आपको देना पड़ेगा, शेयर तो दे दिए होनार समझकर, लेकिन हाँ उस पर टैक्स जरूर आपको चुकाना पड़ेगा। अब दो बचत योजनाओं के बारे में आपसे जानूंगी जिसको यूजुअली कहा जाता है, मतलब टैक्स फ्री के तौर पर माना जाता है, लेकिन क्या है उस पर राइडर्स इन्वॉल्वड। एक है किसान विकास पत्र और दूसरा है NSA यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इन दोनों पर क्या कहते हैं टैक्स के नियम, टैक्स है कि टैक्स नहीं है? देखिए स्वाति, ATC में हमें छूट मिलती है अगर हम NSE परचेज करते हैं, और बहुत सारे लोग जो, और विशेषकर जो रूरल में रहते हैं या Tier 2 Tier 3 शहर में रहते हैं, वो पोस्ट ऑफिस क्योंकि स्कीम चलाती है, एक किसान विकास पत्र है, एक राष्ट्रीय बचत पत्र नेशनल सेविंग स्कीम, और 8 या 9 साल में वो पैसा डबल कर 10 साल में पैसा डबल हो जाता है उस पर।
लोगों को इसमें गलतफहमी क्या है, किसान विकास पत्र पे ना तो आपको एटीसी में छूट मिलती है, ध्यान रखिए, लोग किसान विकास पत्र लेते हैं उसमें एटीसी में छूट में नहीं है एलिजिबल, और उस पर जो ब्याज मिलता है वो पूरा टैक्सेबल होता है। कन्फ्यूजन एनएससी को लेके है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि एनएससी से मिलने वाला ब्याज हमको छूट है, ऐसा नहीं है जी। आपको एटीसी में छूट मिलता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं, उस पर जो हर साल आपको ब्याज एक्रू होता है, जो सरकार ब्याज देती है उसको टैक्सेबल करना पड़ता है। लेकिन एक बेनिफिट सरकार ने दे दिया, क्योंकि आपको पैसा 10 साल बाद मिलना है, तो सरकार ने ये मान लिया कि जो आपका ब्याज एक्रू हुआ इस साल में वो री इन्वेस्ट हो गया। यानी आपने मान लो 5 लाख के एनएससी खरीदे, आपको अगले साल 50,000 रुपये का ब्याज उस पर मिला, तो 50,000 पहले आप इनकम में लीजिए, लेकिन आप एटीसी में 50,000 रुपये की री इन्वेस्टमेंट की छूट ले सकते हैं। अगर आपका ब्याज ज़्यादा है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके, अब सरकार से कई अलग अलग तरीके से मुआवजा मिलता है, जैसे कि खेती की ज़मीन मिली। अब हमने खेती की ज़मीन पर, इस पर तो हमने टैक्स के नियम जान लिए, क्या टैक्स है क्या टैक्स फ्री है, लेकिन अगर मुआवजे में वो मिला तब ये नियम कैसे बदल जाएंगे? हाँ जी, देखिए एग्रीकल्चर लैंड अगर आपकी रूरल में है यानी शहरी क्षेत्र में नहीं है तो टैक्स से माफ़ है, उसमें तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है। सवाल था जो आपको ज़मीन शहरी क्षेत्र में और सरकार प्लानिंग के लिए, इंडस्ट्री एरिया के लिए, मेट्रो के लिए, रोड्स के लिए आपकी ज़मीन एक्वायर करती है, तो सरकार ने एक छूट दी थी सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 में कि अगर हम आप एग्रीकल्चर लैंड आपसे ले रहे हैं तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए आपको हम मुआवजा देंगे, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। कन्फ्यूजन कहाँ आता है कि जब आपको मुआवजा आता है उसके साथ में ब्याज भी मिलता है, लेकिन उस ब्याज का नियम ये किया सरकार ने कि आपको उस पर पूरा टैक्स देना है। हाँ, क्योंकि आपको ब्याज 8-10 साल का एक साथ मिलता है, आपको मान लो 10 लाख रुपये ब्याज मिला तो सरकार ने कहा 5 लाख की छूट ले लीजिए, बाकी 5 लाख पे टैक्स दे दीजिए। लेकिन अपने दर्शकों को एक खुशखबरी और देना चाहते हैं हम, इनकम टैक्स एक्ट में तो अमेंडमेंट नहीं किया सरकार ने, लेकिन राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट में सेक्शन है 96, उसमें क्या कहा गया कि अगर सरकार ने आपसे ज़मीन ली, आप तो बेचना नहीं चाहते थे, सरकार ने आपको ज़मीन आपसे ले ली, चाहे मेट्रो के लिए ली, चाहे हाईवे के लिए ली, चाहे एयरपोर्ट के लिए, तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। राइट टू फेयर कंपनसेशन एक्ट 2013 में जो आया था उसमें ये नियम आ गया, तो ये लिटिगेशन का मामला है और जो फैसले हैं कोर्ट के फैसले वो एसएससी के पक्ष में आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई मुआवजा मिलता है, चाहे वो कमर्शियल लैंड का ही क्यों ना मिले, तो आप उस पर छूट क्लेम कर सकते हैं। और मुआवजे के बाद एक्सीडेंट मुआवजा जो मिलता है वो टैक्स फ्री है, उसकी श्रेणी में आता है या इस पर भी राइडर्स अप्लाइड है? राइडर्स हैं स्वाति, और राइडर्स भी ऐसे हैं कि कोर्ट कुछ कहती है एक्ट कुछ कहता है। देखिए अगर आपको मुआवजा मिलता है तो जनरली आपको जब चोट ज्यादा लग जाती है तो उस केस में मुआवजा मिलता है, तो मुआवजे को तो फ्री कर दिया। लेकिन 194 जो सेक्शन टीडीएस का है उसमें सरकार ने क्या कहा कि अगर आपको जो ब्याज मिलता है, क्योंकि आपको कोर्ट से मुआवजा मिलता है और उसमें 5-7-8 साल का टाइम लग जाता है, तो जो ब्याज का अमाउंट मिलता है 50,000 रुपये से ज़्यादा उस पर टैक्स सरकार काट लेती है। लेकिन कोर्ट्स के फैसले जो हैं, लिटिगेशन के जो फैसले हैं, उसमें ये कहा गया कि ये जो ब्याज है ये भी कंपनसेटरी नेचर का है तो इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगेन ये लिटिगेशन का मामला है, आप चाहें तो लिटिगेशन करके छूट ले सकते हैं। एक और मैं आपसे कंडीशन जानूंगी, वो है एलिमनी, मतलब पति पत्नी अब साथ में नहीं रहे, डिवोर्स हो गया और एलिमनी का मामला आ गया, तो ये एलिमनी का अमाउंट टैक्स की श्रेणी में आएगा या फिर टैक्स छूट है या फिर इसमें भी कंडीशन अप्लाइड? सिचुएशन आधा ग्लास खाली है कि आधा भरा, ऐसी सिचुएशन है इसमें। इसमें भी क्या कहा गया कि अगर आपको एलिमनी के साथ में पैसा एक साथ मिलता है, मान लो आप डाइवोर्स जो हुआ आपका डाइवोर्स, और कंडीशन है कि आपको एक साथ 50 लाख 40 लाख 30 लाख वन टाइम पेमेंट मिलती है, तो उसको कैपिटल रिसीट मान लिया गया, उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपको निर्वाह निधि मिलती है, गुजारा भत्ता मिलता है मंथली, तो उसको सरकार ने कहा ये टैक्सेबल होगा, इस पर आपको टैक्स देना होगा जितनी आपको इनकम मिलती है। जनरली कन्फ्यूजन क्या होता है कि साहब देखिए, मैं जनरली वाइफ क्लेम करती है तो मैं अपने तो हस्बैंड से वैसे ही पैसे लेती थी तो उस पर टैक्स लगता नहीं था। देखिए जब आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था तो आपका रिलेटिव की डेफिनेशन में थे आप, तो आपको गिफ्ट माना जाता था वो पैसा, लेकिन जब वो रिलेशन खत्म हो गया तो वो इस पर टैक्स लगेगा। हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह है, अगर एलिमनी में आपको जो पैसा मिलता है वो स्कूल की फीस के लिए या किराए के लिए कुछ स्पेसिफिक खर्चा आपको मिल रहा है तो वो टैक्स सरकार ने माफ किया है। ओके, तो कुछ ऐसे आय इनकम जो है स्रोत है वो आपके जो टैक्स फ्री है उसको कंडीशंस अप्लाई के तहत आप मान लीजिए, किसी ना किसी तरीके से आपको टैक्स देना पड़ेगा। और ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए मनी गुरु की इस खास पेशकश में। तो आज के लिए बस इतना ही।